पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ पद यात्रा में भाग लेने के लिए अमेठी पहुंच चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं और राहुल के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि लखनऊ चलो। मैंने उससे कहा कि लखनऊ जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अमेठी ही मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई अलग नहीं कर सकता। तो वहीं 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला चुनाव मैं यहाँ से लड़ा था और आपने मुझे राजनीति सिखाई, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो वहीं आज देश के सामने दो सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी और महंगाई। इन सवालों का जवाब ना मुख्यमंत्री देते हैं ना प्रधानमंत्री। तो वहीं राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री गंगा जी में स्नान कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते कि देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहे, रोजगार खत्म क्यों हो गए, हमारे देश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा। तो वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि इतनी तेजी से महंगाई भी क्यों बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब आपको नहीं देंगे, इसलिए मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। साथ ही राहुल गांधी ने आगे भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले सब कुछ कर रखा है। नरेंद्र मोदी काले कृषि कानून लाए और एक साल बाद माफी मांगते हुए कानून वापस भी ले लिए। देश की सुरक्षा खतरे में है और चीन भारत के प्रदेश में गांव बसा रहा है और मोदी जी चुप हैं। तो वहीं इस वक्त खबर आ रही है कि दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी का कहर जारी है और एक तरफ जहां पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरे और शीतलहर की शुरू हो गई है। उत्तर भारत के कई शहरों में शनिवार यानी आज तापमान में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है और आज सुबह मैदानी क्षेत्रों में चूरू का तापमान सबसे कम रहा, जो माइनस में पहुंच गया। तो वहीं अपने सर में 0.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में शनिवार यानी आज सुबह इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह के रूप में दर्ज की गई है और आज राजधानी का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। इससे पहले बीते रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। हल्का कोहरा भी राज्य के कुछ इलाकों में सुबह के समय बने रहने के आसार है। तो वहीं प्रदेश के कई इलाकों में पारे में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। अलीगढ़, मेरठ, बरेली, फतेहगढ़, वाराणसी, इटावा में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मनाली शहर और भरमौर मुख्यालय में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ गया है। गुरुग्राम से खबर आ रही है कि सेक्टर 40 थाना क्षेत्र के ब्रह्माडा होटल के सामने किराए के कमरे में बृहस्पतिवार रात को चार्जिंग में लगी स्कूटी की बैटरी फटने से आग लग गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिले सिंह ने ब्रह्माडा होटल के सामने कमरे बनाकर किराए पर दिए हुए हैं और उनके यहाँ करीब 4 सालों से किराए पर दरभंगा बिहार के सुरेश शाह, उनकी पत्नी रीना, बेटे मनोज, सरोज और अनोज के साथ रहते हैं। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार रात को सभी अपने कमरे में रात करीब 11 बजे सोने चले गए और उस दौरान स्कूटी की बैटरी को कमरे में ही चार्जिंग पर लगाया हुआ था और रात में अचानक वो फट गई। इससे कमरे में आग लग गई और धुआं भर गया। धमाके की आवाज़ सुनकर के कमरे के सामने रहने वाले सतीश बाहर की तरफ भागे और धुआं निकलता देखकर आसपास के कमरे से लोगों को इकट्ठा किया और इसके बाद दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुलने पर लोगों ने बाहर से खिड़की की लोहे की ग्रिल काटी और अंदर कमरे में जाकर दरवाजा खोलकर सभी को बाहर निकाला, जब तक सुरेश की मौत हो चुकी थी। तो वहीं पुलिस ने बताया कि आग के लपटे और धुएं से दम घुटने से एक की मौत हुई है, जबकि महिला और उनके बेटे का इलाज चल रहा है। महिला और एक बेटे की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। दो बेटों को छुट्टी भी दे दी गई है। साथ ही बताया गया कि जिस मकान में हादसा हुआ कि वहां पर 7 कमरे हैं और इसमें 7 परिवार किराए पर भी रहते हैं। सुरेश के कमरे में गैस के भरे एक बड़े और एक छोटे सिलेंडर भी रखे हुए थे। गनीमत रही कि समय रहते पड़ोसी ने आवाज सुनकर लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। अगर सिलेंडर में आग लगती तो बड़ा धमाका हो सकता था, इससे कई लोगों की जान पर भी बन सकती थी।
दिल्ली एनसीआर का दायरा एक बार फिर से तय करने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। राजघाट से 100 किलोमीटर के क्षेत्र को ही एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे एनसीआर का दायरा सिमट जाएगा। इस पर सरकार का मानना है कि इससे बेहतर तरीके से एनसीआर के विकास की नीतियां बन सकेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने इससे जुड़ा ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को सार्वजनिक कर दिया है। आम लोग इस पर 7 जनवरी तक अपनी राय दे सकते हैं और इसके बाद बोर्ड योजना को अंतिम रूप देगा। आपको बता दें कि एनसीआरपीबी की तरफ से जारी प्लान के मुताबिक अब दिल्ली के राजघाट से चारों तरफ का 100 किलोमीटर का क्षेत्र एनसीआर में शामिल होगा। 100 किलोमीटर से बाहर के इलाकों के लिए लंबाई में कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे और कॉरिडोर दिल्ली से निकलने वाले एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे और इससे इन इलाकों का तेजी से विकास संभव है। साथ ही भी कहा गया कि रीजनल प्लान के ड्राफ्ट में 2025 तक दिल्ली में यमुना नदी में फेरी और कार्गो सेवा शुरू करने की भी योजना है। साथ ही भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान इस पर सहमत है कि अगर किसी तहसील का एक हिस्सा 100 किलोमीटर के अंदर आता है तो पूरी तहसील को एनसीआर में ही माना जाएगा, जबकि हरियाणा ने कहा कि 100 किलोमीटर के अंदर आने वाला इलाका ही एनसीआर में होगा। ऐसे में नए रीजनल प्लान के हिसाब से यूपी सब सीजन के एनसीआर में कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान इस दिशा में काम कर रहा है। तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेरठ के कुछ इलाकों सीमांकन के बाद भी एनसीआर में रहेंगे, जबकि दूसरे इलाकों की खबर अभी राज्यों से मिलनी बाकी है। इसके लागू होने के बाद ही एनसीआर एक गोल घेरे में होगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9996930824 या 9391326261।